हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप एक टेलीग्राम यूजर हो, टेलीग्राम से या तो आप स्टडी कर रहे हो या फिर टेलीग्राम पर आपका कोई ग्रुप और चैनल है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो फिर आप लोग इस वीडियो का लास्ट तक बने रहना, आज बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्विज बोर्ड का यूज़ करके आप लोग 1000+ क्वेश्चंस का क्विज केवल और केवल 2 मिनट में कैसे बना सकते हो। ठीक है, मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, इसमें आपको ना तो टाइपिंग करना है और ना ही कोई कॉपी और पेस्ट। ये सारे मेथड पुराने हो चुके हैं, मैं आपको एक न्यू मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग क्या है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही शानदार ट्रिक मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। ओके, मैंने एक वीडियो बनाया था टेलीग्राम पे आप पर डे अपने ग्रुप और चैनल में 50,000+ मेंबर्स को कैसे ऐड करोगे केवल और केवल 3 ऐप का यूज़ करके। तो फिर ठीक है, फिर उसमें क्या है, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, वो लोग इस वीडियो को जाके देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया। ठीक है, ओके, फिर चलिए चलते हैं टेलीग्राम पे। ये रहा हमारा टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आने के बाद आप लोग सर्च करोगे क्विज बोर्ड, QUIZBOT, क्विज बोर्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ओके, ये क्विज बोर्ड आपको इसमें इंटर करना है। इस पर ओके करेंगे, इसमें आपसे पूछा व्हाट कैन आई डू बोर्ड। इसमें क्या है, आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, इसकी मदद से आप आसानी से क्विज बना सकते हो अपने ग्रुप के लिए, चैनल के लिए, खुद के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। मैं जो भी आपको यह मेथड बताऊंगा ना, आप लोग उसे गलत यूज़ बिल्कुल मत करना। वो क्या है, वो मैं सेल्फ स्टडी के लिए आपको बता रहा हूँ। क्यों, यदि आप किसी अदर ग्रुप के कंटेंट को इस तरह से अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं, क्विज बनाते हैं, तो फिर ये गलत बात। ओके, आप लोग उसका सही डायरेक्शन यूज़ करना। और आप लोग क्या है, अपने मेंबर्स को ऐसे में वो क्वालिटी नहीं दे पाओगे, इसलिए वैसे ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करो जो कि जानदार हो, शानदार हो। ठीक है, और सेल्फ स्टडी आप इससे कर सकते हो। चलिए, इसमें क्या कहना है आपका, दिस बोर्ड विल हेल्प यू क्रिएट ए क्विज विद ए सीरीज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बोर्ड की मदद से आप लोग बना सकते हो। चलिए, तो इसमें क्या है, पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्रिएट न्यू क्विज, इसमें आपको सबसे पहले क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपसे कह रहा है लेट्स क्रिएट अ न्यू क्विज, फर्स्ट सेंड मी द टाइटल ऑफ योर क्विज, एग्जांपल एप्टीट्यूड टेस्ट 10 क्वेश्चन अबाउट बियर्स। इसमें क्या है, आपको इसमें कुछ भी आप टाइटल दे दो, आपको किस सब्जेक्ट का बनाना है, साइंस का बनाना है, मैथ्स का बनाना है, किसी भी सब्जेक्ट का बनाना हो, या फिर GS का यदि बना रहे हो तो उसमें कौन सा टॉपिक बना रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे, जो जिसका टॉपिक हो, एग्जांपल के मैं दे रहा हूँ फेबुलस मिक्सचर ऑफ GK एंड GS, कोई सा भी यूज इमोजी यूज कर लो, GK एंड GS क्विज बाय अंकुर। आप इतना क्लिक करने के बाद क्या करोगे, नेक्स्ट में जाओगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे कह रहा है गुड, नाउ सेंड मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्विज। क्या है इसमें, दिस इज ऑप्शनल, यू कैन स्किप दिस स्टेप। इसमें क्या है, ऑप्शनल है तो हम लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। अब आपसे कह रहा है आप फर्स्ट क्वेश्चन इसमें शेयर कर सकते हो। इसमें क्या है, इसके लिए मुझे क्या करना है, बैक जाना है, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखना, ये ट्रिक बहुत ही शानदार होने वाला है। जरा सा भी एक भी स्टेप यदि आप मिस किए ना, तो सीख नहीं पाओगे बिल्कुल भी, आपका डाउट बरकरार रह जाएगा। तो फिर वीडियो को अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना। अभी क्या है, कोई भी स्टडी ग्रुप हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी जो है आपका टेलीग्राम पे नंबर 1 जो स्टडी ग्रुप है वो आपका है क्रेजी। आप लोग सर्च करोगे क्रेजी जीके क्विज सेलेक्ट कर, आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिख पा रहा होगा 65,000 मेंबर्स, इसमें इस पर क्लिक करो। इसमें जाने के बाद आपको ये सारे सवाल दिख पा रहे होंगे। इसमें क्या है, आप ऊपर बढ़ोगे, देखोगे कहाँ क्वेश्चन, ये डिफरेंस, मुझे इंग्लिश करवाना नहीं है, मुझे करवाना क्या है GS, तो GS क्या है, इससे पहले जाना है। देखो ये सारे आपके GS के पेपर है, GS के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, क्विज हैं, उसमें क्या है आपको सिलेक्ट कर लेना है जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें 100 करो, 200 करो, 500 करो, 1000 करो, सारे क्वेश्चन को आप आसानी से यहाँ से सिलेक्ट कर लो आसानी से। केवल क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है, याद रहे किसी लिंक विंक को सिलेक्ट मत कर लेना, कोई फ़ायदा उसका होने वाला नहीं है आपका।
ओके चलिए आगे बढ़ने हैं। देखो 12-13 इसी करके हम लोग सारा जो भी है ना सारे जितने भी इसमें क्विज के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना, बट आप लोग याद रखना ये गलत है। ओके आप लोग इस तरह से किसी की मेहनत पे पानी नहीं फेर सकते, क्या है वो आप पे क्लेम कर सकते हैं कॉपीराइट का, कुछ भी कर सकता है। तो फिर ये खुद के लिए करो, आप लोग खुद के लिए सेल्फ स्टडी के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। यदि आप एक एडमिन आप कोई एडमिन हो और आपका कोई ग्रुप है आप क्विज करवाना चाहते हो, उसमें क्या उसमें गलत है, उसमें आप वो क्वालिटी नहीं दे पाओगे बच्चों को, ठीक है। आपको उसमें टाइम लगेगा सेलेक्ट करने में, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। आप लोग रिविजन भी से आप लोगों का हो जाएगा, जैसे बंगाली अखबार की स्थापना ये सारा जो भी है ना बंगाली हो गवर्नर जनरल सब किस भाषा में ये सारा कोई गदर जनरल जो भी है आपका गांधी जी ने भारतीय सारे क्वेश्चन को आप लोग सेलेक्ट करते जाओ। क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आपका ऊपर में दिख रहा होगा एक आपको फॉरवर्ड का ये जो एरो है ना आपका उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग फॉरवर्ड टू आपसे पूछ रहा है तो क्या करोगे इसमें क्विज बोर्ड, क्विज बोर्ड को आप लोगों को फॉरवर्ड कर देना सारे क्विज को। तो क्विज बोर्ड आप लोग सर्च करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में दिखाना है उस पर आओगे और 29 जो है ना आपके 29 फॉरवर्डेड पोल्स इसमें सेलेक्ट कर दोगे तो 29 आप देखोगे सारे क्वेश्चन इसमें 29 के 29 क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर इसमें आपको क्या करना है और भी चाहो तो क्वेश्चन इसमें आप ऐड कर सकते हो, बट वन क्लिक में आप लोग 29 इसमें ऐड कर चुके हैं। तो इसमें क्या है आपको यहाँ जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डन, तो आप लोग इस पर डन कर दोगे। डन करने के बाद आपसे पूछ रहा है प्लीज़ सेट अ टाइम लिमिट फॉर द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्या है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम लिमिट सेट करना चाहते हो आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या है ये जीएस का क्वेश्चन है, तो जीएस में हम लोग क्या करें जीएस क्विज में जो है ना मैक्सिमम 30 सेकेंड जो है ना सफिशियंट होते हैं, तो हम लोग 30 पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे 30 सेकेंड। आप कह रहे हैं सफल क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन, इसमें क्या है आपका जो भी क्वेश्चन और आंसर है ना सफल का मीनिंग है आपके यहाँ पे आपका कोई सीरियली वाइज नहीं होना उसमें, क्या है क्वेश्चन नंबर आप जो यहाँ पे सीरियल वाइज जो सेट किए हो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 पे भेजो 8 पे भेजो इसे 9 पे भेजो 10 पे, तो सफल होने करने के बाद क्या है 10 वाला आपका पहले आ जाएगा 9 वाला बाद में आ जाएगा 8 वाला पहले आ जाएगा, ऐसे करके मिक्स हो जाते हैं सारे। कोई बात नहीं सफल ऑल कर सकते हैं आप लोग। इसमें क्या है हम लोगों का क्विज जो है ना बन के वो तैयार हो गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या है फेबुलस मिक्सचर ऑफ जीके एंड जीएस क्विज बैंक हो गया 29 क्वेश्चन। इसी तरह से 1000 क्वेश्चन आप सिलेक्ट करो सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करो। ओके अब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट दिस क्विज इन ग्रुप शेयर क्विज एडिट क्विज स्टेट्स। इसमें क्या है आपका पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है ना आप इसको खुद के लिए स्टार्ट कर को खुद का टेस्ट दो, टाइम लिमिट है यहाँ पे टाइम लिमिटेशन के साथ लोग क्विज दो अच्छे से सेल्फ स्कोर देखो आपका कितना हो पा रहा है कितना टाइम लिमिट सारा कुछ। सेकेंड ऑप्शन है किसी भी ग्रुप में आप एडमिन हो तो किसी ग्रुप में क्विज स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड आपका है इस क्विज को आप लोग शेयर कर सकते हो किसी भी ग्रुप में या किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फोर्थ आपका एडिट क्विज, इसमें यदि कोई एडिट करना हो कोई टॉपिक टाइटल चेंज करना हो या फिर कुछ भी आपका क्वेश्चन ऐड करना हो क्वेश्चन रिमूव करना हो इसमें लिंक डालना हो सारा कुछ आप इससे कर सकते हो एडिट क्विज से जाके। और लास्ट ऑप्शन जो है क्विज स्टेट, सब लोग हमसे पूछते हैं आप लोग फुल रिजल्ट कैसे देते हो, तो फुल रिजल्ट जो है ना अपने ग्रुप में बस ये क्विज स्टेट से यूज़ करके हम लोग देते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी मेम्बर्स जो है ना आपके क्विज अटेम्प्ट किए हैं ना सारा का लिस्ट आ जाते हैं उनको कॉपी करो वहाँ जाकर अपने ग्रुप में पेस्ट करो, फिर से आओ फिर सेकेंड नंबर पे पॉइंट पे क्लिक करो फिर से नेक्स्ट 20 खोल के आएंगे उन लोगों को कॉपी करो वहाँ जाके पेस्ट करो। ऐसे करके हम लोग क्विज बना सकते हैं और सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अपने ग्रुप में क्विज करवा सकते हैं प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ठीक है। जितने भी शानदार क्वेश्चन हैं उनके कलेक्शन अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आज आप लोग बहुत कुछ सीख पाए होंगे, यदि आप लोग कुछ सीख पाए हो यदि आपको वीडियो लग रहा है जो बेनिफिशियल रहा है आपके लिए तो फिर आप लोग वीडियो को क्या करना लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। ओके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना क्योंकि मैं आगे ही और आप लोगों के जो भी डाउट हो ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जरूर कमेंट करो जो भी आपके डाउट हो मैं उस डाउट को सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।